सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन में दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन व इंस्पेक्टर कर्मवीर की टीम ने 10 करोड़ से अधिक कीमत की 50 किलो अफीम के साथ दो ऐसे शातिर ड्रग तस्करों को दबोचा है जो पिछले कई सालों से कार की पिछली सीट और रनिंग बोर्ड फ्रेम के दोनों किनारों के नीचे अफीम छुपाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर ड्रग तस्करी करते आ रहे थे। गिरफ्तार ड्रग तस्करों की पहचान 43 वर्षीय रणबीर सिंह उर्फ टिंकू व 33 वर्षीय लोयांगम्बा इतोचा के रूप में हुई है। दोनों इम्फाल मणिपुर के रहने वाले हैं। दोनों पिछले 5 वर्षों से तस्करी का धंधा कर रहे थे। ड्रग्स की यह खेप पंजाब व दिल्ली में सप्लाई होनी थी। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल ब्रेजा कार भी जब्त कर ली है। दोनों आरोपियों को ट्रैप लगाकर मेहरौली बदरपुर रोड से सरिता विहार जाने वाले रूट से गिरफ्तार किया गया है। दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज की टीम दिन रात क्रिमिनलों को दबोचने में लगी हुई है। दो दिन पहले टीम ने दिल्ली NCR में गैंगस्टरों और हार्डकोर क्रिमिनलों को हथियार सप्लाई करने वाले एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था। हथियार तस्करों को सलाखों के पीछे भेजने के तुरंत बाद स्पेशल सेल की टीम बिना रेस्ट किए ड्रग तस्करों के पीछे लग गई थी। मात्र दो दिन के अंदर टीम ने एक बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट का भी भंडाफोड़ करते हुए करोड़ों की ड्रग के साथ दो खूंखार ड्रग तस्करों को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है। दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पिछले 5-6 वर्षों से म्यांमार और मणिपुर से दिल्ली, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अन्य राज्यों में ड्रग सप्लाई करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट सक्रिय है। टीम को इन्फॉर्मेशन देने वाले ने बताया कि म्यांमार और मणिपुर से अन्य राज्यों में ड्रग सप्लाई दिल्ली के रास्ते से ही हो रही है। टीम के पास ड्रग तस्करों की पहचान के लिए न तो उनकी फोटो थी और न ही कोई मोबाइल नंबर। मात्र यह इन्फॉर्मेशन थी कि ड्रग तस्कर म्यांमार और मणिपुर से ड्रग लाकर दिल्ली के रास्ते दिल्ली और अन्य राज्यों में पिछले 5-6 साल से सप्लाई कर रहे हैं। मात्र इन्फॉर्मेशन पर काम करते हुए दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन के निर्देश पर टीम ने सबसे पहले पिछले 5 साल में म्यांमार, मणिपुर और दिल्ली में एक्टिव रहने वाले मोबाइल नंबरों को स्कैन करना शुरू कर दिया। हजारों मोबाइल नंबर स्कैन करने पर टीम को एक ऐसा सस्पेक्ट नंबर मिला जो कि महीने में 1-2 दिन म्यांमार, मणिपुर से दिल्ली के रास्ते यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में एक्टिव रहता था, लेकिन ज्यादातर समय मोबाइल फोन बंद रहता था। इसी रूट के रास्ते ड्रग सप्लाई की इन्फॉर्मेशन टीम के पास थी। टीम ने सस्पेक्ट मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगाली तो शक यकीन में बदल गया। सस्पेक्ट मोबाइल नंबर दिल्ली, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के ड्रग डीलरों के संपर्क में था। टीम ने सस्पेक्ट मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। दिनांक 17 फरवरी को टेक्निकल सर्विलांस की मदद से टीम को पता चला कि ड्रग तस्कर रणवीर सिंह उर्फ टिंकू व लोयांगम्बा इतोचा असम रजिस्ट्रेशन नंबर की अपनी ब्रेजा कार से ड्रग की बड़ी खेप लेकर इम्फाल मणिपुर से निकले हैं और 17 फरवरी को ही दोपहर 3 से 4 बजे के बीच बदरपुर बॉर्डर पर अपने संपर्क को ड्रग की सप्लाई देकर पंजाब निकल जाएंगे। दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हुन ड्रग तस्करों को दबोचने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। ड्रग तस्करों को दबोचने के लिए टीम ने बदरपुर बॉर्डर से पुल प्रहलादपुर और सरिता विहार जाने वाले रूट पर जाल बिछाया। दोपहर लगभग 3:30 बजे बदरपुर की तरफ से असम रजिस्ट्रेशन नंबर की एक ब्रेजा कार मेहरौली बदरपुर रोड पर सरिता विहार जाने वाले लूप पर आकर रुकी। कार में दो लोग सवार थे। टीम ने सस्पेक्ट कार को चारों ओर से घेर कर कार में बैठे दोनों लोगों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर ड्रग तस्कर रणबीर सिंह के बैग से 10 किलो और लोयांगम्बा इतोचा के बैग से भी 10 किलो अफीम बरामद की गई। ड्रग तस्करों ने 30 किलो अफीम ब्रेजा कार में पीछे की तरफ टायरों के पास सीक्रेट कैविटी बनवा उसमें छिपाकर रखी हुई थी। इनके कब्जे से 10 करोड़ कीमत की कुल 50 किलो अफीम जब्त की गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे ड्रग सिंडिकेट के सदस्य हैं। आरोपियों ने आगे बताया कि वो पिछले 5 वर्षों से दिल्ली, पंजाब और अन्य उत्तरी राज्यों में मणिपुर से अफीम और हेरोइन की सप्लाई कर रहे हैं। पिछले 5-6 वर्षों से लगातार म्यांमार और मणिपुर से दिल्ली, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अन्य राज्यों में ड्रग सप्लाई करने का यही रूट है। गिरफ्तार दोनों ड्रग सप्लायर से लगातार पूछताछ की जा रही है। बाकी साथियों और अन्य सदस्यों के बारे में भी छानबीन की जा रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या,
तो कहीं हत्या, कहीं साजिश, तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।